नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपको इलेक्ट्रॉ यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास डी एम्पलीफायर की कनेक्शन के बारे में। कई बार की प्रॉब्लम होता है कि क्लास डी एम्पलीफायर की जो होता है वो कनेक्शन कैसे होता है, कैसे ना क्या होता है, नहीं भैया हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हम कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं तो बोर्ड जल रहा है, कई कमेंट्स में फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और दिखाएंगे पार्ट बाय पार्ट कि कैसे क्या कनेक्शन करना होता है वो इसी वीडियो के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगा, क्लास डी एम्पलीफायर जो कि मस्ट बी बेटर एक क्लास डी होना चाहिए जो कि जिसका सारा प्रोटेक्शन सिस्टम हो, सारे फैसिलिटीज हो, लॉन्ग टाइम जो हमें बैकअप मिले, एक कम्पैक्ट साइज हो जहाँ पे जिस बोर्ड को हम कहीं भी यूज कर सकें, काफी अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ आउटपुट जो है वो हमें मिले। तो वैसा ही एक बोर्ड है ये क्लास डी एम्पलीफायर जो कि 1K है, 1000 वाट का क्लास डी एम्पलीफायर है, 1000 वाट, ओनली 1000 वाट। मॉस्फेट को चेंज करके हम इसकी मॉस्फेट का जो वैल्यू है एम्पियर वोल्ट चेंज करके बढ़ा के हम इसकी जो वाटेज है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, तो और भी कई बंदों की प्रॉब्लम होती है कि भैया क्लास डी एम्पलीफायर जो होता है जस्ट दो मॉस्फेट से 1000 वाट कैसे निकाल सकते हैं। तो एक बात आपको मैं बता देता हूं, जस्ट सेकेंड, हमारी 1942-5200 जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं 2SA 2SC का, उसमें क्या होता है, वो ट्रांजिस्टर होता है, ये बात ध्यान रखना, वो ट्रांजिस्टर होता है। और यहाँ पर हम क्लास डी में जो यूज करते हैं मॉस्फेट्स होता है, ठीक है, वो मॉस्फेट होता है क्लास डी में यूज होने वाला, जो कि IRFP ऐसा कुछ वैल्यू होता है, एन चैनल होता है और पी चैनल में मॉस्फेट्स होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मॉस्फेट्स के अंदर आपको वोल्टेज थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मतलब वोल्टेज वो ज्यादा नहीं ले पाता है, बट एम्पियर जो है उसकी ट्रांजिस्टर से काफी ज्यादा हाई है। ओके गाइस, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ट्रांजिस्टर एम्पियर जो होता है ट्रांजिस्टर का वो कम होता है, एक से लेकर मतलब जीरो से लेकर आप 17 एम्पियर तक आपको 1942-5200 के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके, देखने को मिल जाएगा आपको, आप गूगल कर लीजिएगा। ओके, और हमारे यहाँ पे जो मॉस्फेट्स होता है, मॉस्फेट्स में क्या होता है, हम नॉर्मली जो यूज करते हैं 30 एम्पियर से लेकर 170-180 एम्पियर तक हमारे पास मॉस्फेट्स हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, 130 एम्पियर 170 एम्पियर का मॉस्फेट जहां पर एक ट्रांजिस्टर का एम्पियर होता है 17 एम्पियर मान के चलिए, तो उसको कहां पे 17 एम्पियर या 10 एम्पियर मान के चलिए, वो एवरेज 10 एम्पियर कहां पे है और 170 एम्पियर 160 एम्पियर कहां पे है, आसमान और जमीन की फर्क है इसके अंदर, काफी लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो दो मॉस्फेट्स है ऐसे ही हमें ज्यादा आउटपुट मिलता है। क्लास डी एम्पलीफायर अभी के लिए सबसे बेस्ट एम्पलीफायर है मार्केट में, अभी सबसे ज्यादा क्लास डी एम्पलीफायर चल रहा है। प्रोफेशनल साइड में भी अगर आप जाएंगे तो अभी जितने सारे एम्पलीफायर्स आएगा वेट उसका बहुत ही कम होगा और आउटपुट जो रहेगा पावर वो काफी ज्यादा रहेगा। तो इधर एट फर्स्ट हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वीडियो में चलते हैं गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करें, वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगा क्लास डी एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या जरूरत होगा, एक SMPS जो कि आप 1 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक आराम से यूज कर सकते हैं, 2-4 बोर्ड चला लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो कि 12 वोल्ट एम्पियर SMPS होना चाहिए, ठीक है। और इधर जरूरत पड़ेगा एक सप्लाई की, ये कनेक्ट किया हुआ है, ये काफी मतलब टाइट है इसलिए आपको खोल के दिखा नहीं पा रहे, काफी टाइट है। तो यहाँ पर हम एक सप्लाई यूज की है जो 10000 माइक्रोफैरड करके है और सी बोर्ड में, और ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 45045 का ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं फिलहाल घर के अंदर ना, तो थोड़ा कम वोल्टेज से ही एक प्यारा सा ट्रांसफार्मर ले लिए हैं जिसे आप हमें अभी आपको ट्राई करके तो दिखा सकते हैं टेस्टिंग करके, ठीक है। तो ये सप्लाई हमें चाहिए जो कि AC से DC में कन्वर्ट करता है काफी अच्छे से, PO DC में कन्वर्ट करता है। ओके गाइस, और इसके साथ क्या चाहिए आपको, यहां से कनेक्ट करने के बाद DC आउटपुट लेने के बाद हमें जो बोर्ड के अंदर जितने सारे कनेक्टर हैं उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ऐसा एक वायर चाहिए 3 कलर्स का, पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्राउंड। ओके, आप समझ गए होंगे। इसके साथ क्या जरूरत पड़ेगा, एक ऑडियो वायर, ये आपको देखने से घबराने की कोई बात नहीं है, 3 वायर दिख रहा होगा आपको,
इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज अ बैलेंस इनपुट कनेक्टर। ओके, बैलेंस इनपुट आपको समझ आएंगे होंगे, मोनो होता है और एक बैलेंस होता है, और इधर आपको जरूरत पड़ेगा एक पोटेंशियोमीटर की, जिसके साथ हम 3 पिन वाला कनेक्टर लगा रखे हैं, और ये पोटेंशियोमीटर है, ये 22 के का B22 के, इस पोटेंशियोमीटर को हम यहाँ पे इस बोर्ड में यूज करने वाले हैं। और चलिए फिर अभी वीडियो कैसे क्या कनेक्शन करते हैं वो दिखा देते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम क्लास डी एम्पलीफायर को ले लेते हैं। ओके, ये क्लास डी एम्पलीफायर, उसके बाद हम ले लेंगे 12 वोल्ट का SMPS, उसके बाद हम ले लेंगे ये वाला कनेक्टर, उसके बाद ले लेंगे ये वाला बैलेंस इनपुट का सॉकेट, उसके बाद ले लेंगे ये पोटेंशियोमीटर, और ये है स्पीकर आउटपुट करने के लिए एक वायर, और अभी हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए और चाहिए मेन ट्रांसफार्मर। ओके दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर को हम इधर साइड कर लेते हैं, ये हमने इसको साइड कर लिए हैं, सप्लाई को यहाँ पर लगा देते हैं, इसको साइड कर देते हैं, SMPS के साथ वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों बार बार बता रहा हूँ कि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है हमारी, तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छे लगे तो आपके फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, जिसको भी क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो उसको भी आप बताइए। ओके, और ये काफ़ी अच्छा एक सेटअप बनने वाला है। तो ये हो गया यहाँ का कनेक्शन, ये हमारा 220 का लाइन है, और इधर ये है क्लास डी एम्पलीफायर जो कि मेन है। ओके, अब हमें यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि 12 वोल्ट को देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में कितने वोल्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लाइन दे चुके हैं, देख सकते हैं पावर आ चुका है SMPS में। अभी मल्टीमीटर से हम यहाँ पर टेस्टिंग कर देंगे कितना वोल्ट यहाँ पर एग्जैक्टली आ रहा है। अभी DC में है तो ये AC में कर देते हैं, AC वोल्ट को हम चेकआउट कर लेते हैं एट फर्स्ट। फर्स्ट टाइम आपको पहले ट्रांसफार्मर वगैरह जो है ना उसकी वोल्टेज वगैरह चेक कर लेना पड़ेगा। अभी 217 वोल्ट जो है वो हमारी 220 लाइन में है। ओके, अभी हम DC वोल्ट को चेक कर लेंगे, DC में कर लिए हैं, DC 12 वोल्ट को मेजर करेंगे पहले। अभी देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट है। ओके गाइस, तो आप इस 10 वोल्ट को 12 वोल्ट में सेट करिए, 11.40, चलिए 11.5 कर देता हूँ, कंट्रोल में आ जाइए सर, चलिए 11.50 कर दिए हैं, तब वहाँ 11.5 वोल्ट, और इसको हम एट फर्स्ट चेक कर लेते हैं जो बायस वोल्ट जो है ये है। बायस को हम चेक करेंगे कि अभी ये जो IC सेक्शन है क्लियर है या नहीं। ये देखिए हम लाइन दे चुके हैं, अभी यहाँ पर रेड LED जल रहा है, देखिए, अरे यार ये तो ट्रिप हो गया बस, ठीक है, ये अभी ऑन मोड में चला आया है। ओके, पावर मोड अभी तक जला नहीं, आप देख सकते हैं पावर मोड जो है यहाँ पे फॉलो करिए, पावर मोड जो है ये नहीं जला है अभी तक, जो प्रोटेक्ट है प्रोटेक्ट से पावर में जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं जलाया। क्यों नहीं गया है, क्योंकि हमने मेन वोल्ट जो अभी तक कनेक्ट नहीं किए हैं। तो चलिए मेन वोल्ट जो है ये भी कनेक्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम साइड में रखेंगे, इससे पहले हम DC वोल्ट को मेजर कर लेते हैं कि कितने वोल्ट हमारी DC में बन रहा है। ओके, इस 12 वोल्ट को हम ऑपरेट से खोल लेते हैं, डिसकनेक्ट कर दिए हैं 12 वोल्ट को, DC में कनेक्ट किया हुआ है। अभी SMPS का वोल्टेज जो वो हम चेक करेंगे, चलिए ये देखिए ये -60 है, चलिए इसको यहाँ से उल्टा पकड़ा हूँ, हाँ अभी पॉजिटिव 60 वोल्ट DC में है, इधर से नेगेटिव साइड में, इधर भी सेम वोल्ट होना चाहिए यार, क्या हो रहा है, हाँ देखिए इधर भी 60 वोल्ट है। ओके, तो 120 वोल्ट DC में ये बन रहा है। ओके, मल्टीमीटर को साइड कर देते हैं,
अभी सारा कनेक्टर जो है वो लगा लेंगे, उससे पहले हम पावर को ऑफ कर देंगे, क्योंकि मेन जो है हाई वोल्टेज है काफ़ी ज़्यादा जोर से फ्लक्चुएट होने हो सकता क्या, बहुत ज़्यादा जोर से फ्लक्चुएट होता ही है। तो हम यहाँ से उस इधर डिस्चार्ज हो जाए, रेजिस्टर्स लगा हुआ है, डिस्चार्ज होने दीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि झटक से आप यहाँ पर लाइन मत दीजिएगा, इसको डिस्चार्ज होने दें, उसके बाद ही यहाँ पर लाइन दें, और सीरीज़ लैंप के साथ 220 वोल्ट को लगाएं, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर बोर्ड के अंदर मॉस्फेट्स वगैरह शॉर्ट्स हैं तो आपका आईसी भी जल सकता है और कैपेसिटर बैंक भी ख़राब हो सकता है और बोर्ड भी जल सकता है। मेनली बोर्ड जलेगा, कैपेसिटर बैंक की जो बात है वो बात की, पहले आपका बोर्ड जलेगा। चलिए यहाँ पर हम बैलेंस इनपुट की जो कनेक्टर यहाँ पर लगा दिए। ओके गाइस, आपको थोड़ा सा क्लोज लूप दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये वाला कनेक्टर लगा दिए हैं, ये बस हो गया, ये वॉल्यूम का कनेक्शन है, ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। अभी हम लगाएंगे ऑडियो का कनेक्शन, ये बैलेंस है, अगर आप अनबैलेंस चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। चलिए, आई थिंक इधर इतने समय में डिस्चार्ज हो चुका है, तो डिस्चार्ज हुआ है नहीं वो भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए अभी 33 वोल्ट में आ गया, मतलब 15.015 वोल्ट में है, 15.15 ऐसा कुछ है अराउंड। तो चलिए अभी जो है मेन कनेक्शन वो कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये हमारी ग्राउंड, येलो वाला जो ग्राउंड है ये माइनस और ये प्लस, ओके, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगाना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पर ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दिए हैं, और इधर आपका है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव लगा दिए हैं, और इधर नेगेटिव वो भी लगा दिए हैं। ओके, अभी क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा फोकस करिए दोस्तों, आप फोकस करिए एक बार, ये है VCC1 SP1 GND1 VCC पॉजिटिव, मतलब आपका जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई का पॉजिटिव वोल्ट यहाँ पे जाएगा। ओके, कनेक्टर को थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करिए, ये जो है यहाँ पे जाएगा, और ये दोनों सेम है, दोनों ग्राउंड हैं। सप्लाई का ग्राउंड आप यहाँ पर लगाइए, VCC माइनस जो है वो आप यहाँ पे लगाइए। ओके, स्पीकर आउटपुट कहाँ पे है, ये जो कनेक्टर है ये हमारी स्पीकर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट पॉजिटिव, स्पीकर आउटपुट नेगेटिव, यहाँ से एक को लीजिए आप, दोनों सेम है, एक ग्राउंड पे जाएगा, एक इनपुट एक आउटपुट में जाएगा। ओके, और इधर प्रोटेक्शन साइड में आप देखिए, 2-4 इंडिकेटर्स हैं, पावर, सिग्नल, क्लिप, प्रोटेक्ट। ओके, तो चलिए इसकी कनेक्शन जो है वो कर लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव सेक्शन में लगा लिए हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लेना पड़ेगा, कनेक्ट कर लिए हैं, अभी नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए ये भी कर लिए हैं। अभी लास्ट से पहले का काम बाकी है, SMPS का वोल्ट जो है वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, SMPS का वोल्ट भी हम कनेक्ट कर दिए हैं। ओके दोस्तों, थोड़ा सा पीछे लेके हम आपको दिखा देंगे, ये हो गया सेट। अभी हमें पावर देना पड़ेगा, आप ये गलती मत करिएगा कहीं भी, सीरीज़ के साथ ही आप मेन पावर को दीजिए, सीरीज़ के साथ। चलिए 1, 2, 3 ये हम लाइन दे दिए, देखिए इस बार जल गया है पावर LED, मतलब मेन पावर आ गया है। रिले अभी ट्रिप करेगा, 5 सेकेंड्स के अंदर ट्रिप कर जाता है, ट्रिप कर गया रिले। अभी हम यहाँ पर स्पीकर आउटपुट का जो DC वोल्ट है वो चेक करेंगे, DC वोल्ट होना नहीं चाहिए, अगर होगा भी वो भी कहीं मिली वोल्ट में होना चाहिए। ये जो हमारी मल्टीमीटर है ये DC वोल्ट को मिली वोल्ट में भी मेजर करता है बहुत अच्छे से, तो वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। चलिए ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम नेगेटिव में टर्मिनल को एक रख देंगे मल्टीमीटर का, और स्पीकर आउटपुट पॉजिटिव में, देखिए यहाँ पर 5 मिली वोल्ट के करीब आ रहा है DC। ओके, AC की बात करें, AC वोल्ट बिल्कुल नहीं है, हल्का सा DC जितना होना चाहिए उससे भी बहुत ही कम है। तो अभी हम यहाँ से गेन को खोलेंगे, गेन हमने खोल दिए हैं, अभी ऑडियो में हाथ लगाएंगे, देखिए ऑडियो आ गया है यहाँ पे,
ऑडियो आ गया है, हमारा स्पीकर अभी लगाया हुआ नहीं है इसीलिए आपको साउंड नहीं सुनाई देगा, बट आप यहाँ पर थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो पहले आपका ग्रीन एलईडी जो है वो दिखेगा, उसके बाद क्लिप येलो वाला जो है ये क्लिप एलईडी है, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड पिन है, देखिए नॉर्मली हम हाथ लगाएंगे तो ग्रीन वाला जल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो येलो वाला जल रहा है, मतलब येलो जो है वो अभी क्लिप मोड में जा रहा है। ओके गाइस, तो इसका जो है टेस्टिंग हम कर लेंगे किसी म्यूज़िक के साथ। तो चलिए वीडियो का कनेक्शन यहाँ पे हम स्पीकर की कर लिए हैं, ये आप देखिए यहाँ पे 215 इंच लगा हुआ है 4 ओम्स में, देखिए ये स्पीकर का पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पे है नेगेटिव टर्मिनल जो कि हम कनेक्ट कर चुके हैं। वॉल्यूम को हम यहाँ पे फुल कर चुके हैं और मिक्सचर से ये देखिए ये वाला कनेक्टर ये कनेक्ट किया हुआ है मिक्सचर के साथ। ओके, अभी ब्लूटूथ के साथ हमारे आईपैड कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए तो अभी ये ट्रबल और बेस थोड़ा ठीक ठाक रखते हैं, अभी इक्वलाइज कर दिए हैं। तो चलिए अभी प्ले कर देते हैं म्यूज़िक को, साउंड ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, शार्प आवाज़ आपको हमारी माइक के थ्रू मिलेगा फिर। तो अभी म्यूज़िक प्ले कर दिए हैं, 50 मीटर दूरी में है मुझसे मेरा स्पीकर, तो चलिए वहाँ पे लेके चलते हैं आपको साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है दिखाने के लिए। आपको शायद थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे हमारी जो है सिग्नल एलईडी जल रहा है। ओके, चलिए घर पे ले जाते हैं जहाँ पे स्पीकर है। चलिए काफी शार्प आवाज जो है यहाँ से हमें मिल रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्पीक ऑन कनेक्ट किया हुआ है, इसकी वायर नीचे है, ये आके आप देख सकते हैं यहाँ पे वहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है उसके साथ, गाइस आप देखिए यहाँ पे स्पीक ऑन कनेक्ट किया हुआ है, ये मैं कनेक्ट खोल देता हूँ, देखिए सारा बंद हो गया। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि इसका जो क्लास डी का जो कनेक्शन कैसे क्या करना पड़ता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।